एग्जाम्पल 21 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 21 है, मैंने आरडी शर्मा की बुक क्लास 10th की मैथ्स की आरडी शर्मा की बुक ली हुई है। आप पेज नंबर 10.14 में जाइएगा और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें आपको एग्जाम्पल 21 मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 21 क्या कह रहा है, इफ सेक अल्फा इज इक्वल टू 5.4 वेरीफाई दैट टेन अल्फा अपॉन 1 + 10² अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। हमें यहाँ पर क्या गिवन दिया है कि सेक अल्फा जो है वो 5.4 के बराबर है और हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि टेन अल्फा अपॉन 1 + 10² अल्फा जो है वो साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा के बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर है, हमें ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इस ये जो क्वेश्चन जो इस आरडी शर्मा की बुक में सॉल्व करके दिखाया गया, जिस तरीके से मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं करूंगी, आप ये मेथड इसमें देख लीजिएगा, मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। और एग्जाम में तो नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे उस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जिस तरीके से इसको सॉल्व करूंगी वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो फॉर्मूलेस होते हैं ना उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आपने पढ़ा हुआ है तीन मेन फॉर्मूला, पहला क्या है sin²θ + cos²θ = 1, दूसरा क्या है 1 + 10² θ जो होता है वो sec²θ के बराबर होता है, तीसरा क्या है 1 + cot²θ जो होता है वो cosec²θ के बराबर होता है। ये तीन मेन फॉर्मूले हैं और इन्हीं तीन मेन फॉर्मूले के ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक के कई क्वेश्चन जो है सॉल्व हुए हैं, इनका बहुत यूज हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पर थीटा लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एंगल क्या लिया गया, अल्फा, आप देख सकते हैं अल्फा, ये अल्फा, तो मैं इसी को चेंज कर दूँ तो मैं इसको ऐसे ले देती हूँ sin²α प्लस, आप यहाँ एंगल चेंज कर सकते हैं, sin²α प्लस cos²α 1 के बराबर और 1 + tan²α जो है वो किसके बराबर है sec²α और 1 + cot²α जो है वो cosec²α के बराबर है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ एंगल चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एंगल क्या है, अल्फा है। तो ये मेन फॉर्मूले हैं, अब इसी के हेल्प से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो हमारे पास sec अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो sec अल्फा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/4। ठीक है, sec अल्फा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई में क्या क्या चीज़ आ रहा है, टेन अल्फा आ रहा है और साइन अल्फा आ रहा है, क्योंकि सेक अल्फा की वैल्यू तो दी हुई है, ये देखिए 5.4, तो यहाँ पर तो हम इजली सेक अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं। अब बचा टेन अल्फा और साइन अल्फा, और यहाँ पर tan²α, तो टेन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर tan²α की वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट इसकी वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिएगा। तो हमें यहाँ मेन वैल्यू चाहिए टेन अल्फा और साइन अल्फा। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें आप यहाँ पर देखिए किसमें आपका टेन दिख रहा था, आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है ये वाला अगर हम यूज़ कर दें तो यहाँ से हमको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ ले देती हूँ, 1 + tan²α जो है वो है sec²α के बराबर। अच्छा देखिए, ये sec²α यहाँ पे 5.4 यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू दी हुई ना, ये sec² है, यहाँ पर sec α, इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमें, तो यहाँ से हमें tan²α मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 1, यहाँ से देखिए पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको tan²α जो है इसकी वैल्यू चाहिए, जो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, हमें tan²α की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और ये जो 1 है ना इसको इधर साइड लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan²α इक्वल टू, ये यहीं पर रहेगा और इसका साइन क्या है +1, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये जो मेन फॉर्मूला उससे हमने ये निकाल लिया। अब हम चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें टेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या है हमारा tan²α इक्वल टू, ये क्या है sec²α, sec²α का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं sec α का होल स्क्वायर, ये मतलब है इसको क्या है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको होल स्क्वायर लगा के ले सकते हैं -1। तो ये हो जाएगा tan²α इक्वल टू, sec α की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.4, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 5/4, अब क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए -1 इक्वल टू, अब देखिए दोनों में स्क्वायर लगा है तो 5 को दो बार इंटू कीजिए, 5 × 5 = 25/4 को दो बार इंटू करेंगे तो 4 × 4 = 16, फिर -1। अच्छा इसको 1/1 भी कर सकते हैं, एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो यहाँ से देखिए tan²α जो है, अब इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो 1 को 25 से इंटू करेंगे तो 25 − 16 को 1 से इंटू करेंगे तो 16, अब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा अपॉन 16। हमें चाहिए, ये देखिए tan²α है, हमें चाहिए tan α, तो केवल tan α चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा, तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 9 जो लिखा हुआ इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं, अपॉन 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 3 × 9 होता है, लिख दिया 16 जो होता है 4 × 4 = 16 होता है, तो यहाँ से देखिए पेयर बनना है तो 3 बाहर आ जाएगा, अपॉन 4 का भी देखिए पेयर बनना तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें tan α की वैल्यू क्या मिली, 3/4 मिल गया, तो यहाँ देखिए tan α की वैल्यू मिल गई। अच्छा sec α की वैल्यू तो है ही दिया हुआ, अब sin α की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे अब sin α की वैल्यू, यहाँ पर देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, यस हाँ, ये tan, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, देखिए ये फार्मूला, ये क्या है, देखिए कैसे
वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, कॉसिक स्क्वायर अल्फा। ये देखिए कैसे मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करूँगी, आप चाहे तो इससे भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऊपर वाला भी यूज़ कर आप ये, हाँ यस इसको यूज़ इसी को यूज़ करना पड़ेगा, इसी के हेल्प से निकलेगा। कैसे, देखिए टेन अल्फा 3.4 है, हम जानते हैं कि जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है ना। कॉट किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है, तो टेन की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो कॉट अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉट अल्फा क्या होगा, 1/10 अल्फा है ना यहाँ पर, तो 1/10 अल्फा, टेन अल्फा कितना निकला 3/4, तो यहाँ पे आप 3/4 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1, और इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे ये डिवाइड को, तो इसका नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब ये 4/3 हो जाएगा, तो 1/4 = 4/3। तो देखिए हमें कॉट अल्फा की वैल्यू मिल गई ना, कॉट अल्फा कितना आया हमारे पास, कॉट अल्फा हमारे पास आया 4/3, तो 4/3 मिल गया, ठीक है। अच्छा हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, और मैं इसकी वैल्यू किससे निकालूंगी, इस वाले इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है क्या है, 1+cot² α = cosec² α, ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज़ किया, देखिए कॉट की वैल्यू मैं यहाँ से मिल गई, अच्छा कॉसिक स्क्वायर के यहाँ से हमें कॉसिक स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और साइन क्या होता है, 1/cosec के बराबर होता है ना, या फिर कॉसिक जो होता है कॉसिक अल्फा वो क्या होता है, 1/sin α के बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला है ना, कॉसिक क्या होता है, 1/sin होता है, कॉसिक को या तो कॉसिक जो होगा वो 1/sin के बराबर होगा, या फिर इसको साइन जो होगा 1/cosec के बराबर होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ से साइन जो होगा 1/cosec के बराबर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये कॉसिक की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या 1+, ये क्या कॉट स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ स्क्वायर लगाए तो हम इस कॉट अल्फा को, इसका मतलब क्या है, इसको हम दो बार लिखेंगे, यही तो मतलब है ना। तो देखिए मैंने कॉट अल्फा को दो बार लिख दिया, इक्वल टू ये क्या है कॉसिक स्क्वायर अल्फा, तो 1+cot α कितना दिया 4/3 यहाँ पर रख दीजिए, फिर इंटू फिर कॉट अल्फा है तो इसकी वैल्यू क्या है 4/3 रख दीजिए, इक्वल टू ये क्या है कॉसिक स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1+, ये 4 × 4 = 16, और नीचे क्या है 3 × 3 = 9, इक्वल टू ये क्या है कॉसिक स्क्वायर अल्फा, तो इसको 1/1 कर लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9+1 को 16 से इंटू करेंगे 16, जस्ट एलसीएम लिया है इसका, तो ये क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर अल्फा, तो 9 और 16 जब प्लस करेंगे तो 25 आएगा, अपॉन नीचे क्या 9 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर अल्फा, मतलब कि हमारे पास क्या आया कॉसिक स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आया, 25/9 के बराबर आया है। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉसिक की वैल्यू चाहिए केवल, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा ना, तो ये देखिए 25 जो है इसको हम 5 × 5 ले सकते हैं, और 9 को हम 3 × 3, तो यहाँ से देखिए पेयर बन के यहाँ पेयर बनना तो 5 बाहर आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी देखिए पेयर बनना तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कॉसिक अल्फा कितना आया हमारे पास 5/3, और मैंने आपको बता दिया कि कॉसिक अल्फा जो होता है वो 1/sin के बराबर होता है, ठीक है, तो इसको हम 1/1 कर सकते हैं, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस अल्फा कॉसिक अल्फा जो है साइन अल्फा से इंटू होगा, इक्वल टू ये 1/1 से इंटू होगा तो 1 आएगा, हमें साइन अल्फा चाहिए तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये कॉसिक इंटू कॉसिक जो है इंटू में है तो इधर आएगा, तो इसके डिवाइड में चला आएगा, आ गया ना। यहाँ से मेन हमारा क्या था, जो कॉसिक होता है 1/sin α के बराबर होता है, और इसको अपोजिट कर दीजिए तो साइन अल्फा 1/cosec के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा भी दिया, ला दिया, तो साइन अल्फा किसके बराबर होता है 1/cosec α के बराबर, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/cosec α, कॉसिक अल्फा की वैल्यू क्या है 5/3, मैं यहाँ रख देती हूँ, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1, और ये डिवाइड है इंटू में करेंगे, फिर इंटू में करेंगे तो नीचे वाला का रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या हो जाएगा 3/5, तो 1 × 3 = 3, और ये नीचे क्या 5, तो साइन अल्फा कितना आया हमारे पास 3/5 आ गया, साइन अल्फा आ गया, और मैंने क्या निकाला था कॉट अल्फा, वो क्या दिया हुआ सॉरी साइन अल्फा, और हमें टेन अल्फा कितना मिला है 3/4, ठीक है, और सेक अल्फा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ तो कितना है 5/4, तो ये वैल्यू दिया हुआ है सब, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहला क्या है वेरीफाई करना, हमें इसको इसके बराबर करना है, तो पहले हम ये लेके चलते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमारा क्या है क्वेश्चन टेन अल्फा अपॉन ये क्या है 1+tan² क्या है टेन स्क्वायर अल्फा, यस यही है, तो ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है देखिए 3/4 यहाँ पर रखिए, ये डिवाइड 1+
ये टेन स्क्वायर अल्फा है, यानी कि टेन स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या है, टेन अल्फा का होल स्क्वायर ही तो मतलब होगा। इसका क्या मतलब है, टेन इसको टेन अल्फा का होल स्क्वायर यानी कि टेन अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई, 3/4, और यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, यही मतलब होगा। सॉल्व करते हैं, 3/4/1+, अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर लगा तो 3 को 2 बार इंटू कीजिए, 3 3 9, 4 को 2 बार इंटू कीजिए, 4 4 16, तो ये हो जाएगा 3/4 डिवाइड, इसको 1/1 कर दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए तो 16 आएगा, 16 को 1 से इंटू कीजिए 16, प्लस 1 को 9 से इंटू कीजिए 9, तो ये हो जाएगा 3/4 डिवाइड, ये देखिए 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा, ठीक है, 25/16 हो जाएगा। ये देखिए आया हमारे पास, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन में वेरीफाई करना था तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ये आया कितना है, 3/4, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/4 ये डिवाइड है, इसको जब इंटू में करेंगे तो नीचे वाला का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/25 यही होगा ना, 16/25 हो जाएगा, तो 4 4 16, तो क्या आया 3/4, तो 3/4 क्या हो जाएगा, 12, और नीचे क्या बच रहा है, 25, मतलब कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 12/25। अब इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वेरीफाई करना है, मतलब दोनों इक्वल ही आना चाहिए, यानी कि इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या है, साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा, साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा है, तो साइन अल्फा हमने कितना लाया था, ये देखिए 3/5 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3/5, फिर डिवाइड है, डिवाइड लगाइए, सेक अल्फा, सेक अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5/4, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, तो उसको सॉल्व कीजिए आप, तो 3/5 ये डिवाइड है, इसको जब आप इंटू में करेंगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 4/5 यही हो जाएगा, तो इंटू कीजिए, 3/4 का क्या हो जाएगा, 12, और ये 5 5 25, आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाई मतलब टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा, ये क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या वैल्यू आया, 12/25 इसका भी आया है, इसको भी सॉल्व किया 25 आया, तो यानी कि ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।